और अब खबर ग्वालियर से है, जहां के जंगल में शिकारियों के दल को जश्न मनाते हुए वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। वन विभाग की टीम को देखकर शिकारी भाग खड़े हुए, लेकिन एक मुख्य शिकारी उनके हत्थे चढ़ गया। मौके पर एक बड़े से भगोने में 10 किलो देसी घी में नीलगाय का गोश्त पकता मिला है। फॉरेस्ट पुलिस ने मौके से भगोने, पका हुआ गोश्त और दो कुल्हाड़ी के साथ ही नीलगाय के चार टांग भी जब्त किए हैं। ग्वालियर शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर छोड़ा वन चौकी की फॉरेस्ट पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि पनिहार के जंगल में कुछ शिकारी जंगली जानवर का शिकार कर रहे थे, जिनकी दावत उड़ा रहे थे। और तभी फॉरेस्ट टीम ने जंगल में पनिहार से लगे इलाके में सर्चिंग की, जहां काफी दूर से मसालों की महक को कैच करते हुए वन विभाग की टीम जंगल के किनारे पहुंची। जैसे ही फॉरेस्ट पुलिस को देखा तो वहां शिकारियों में भगदड़ मच गई। इसके बाद भी पुलिस ने मुख्य शिकारी को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान काले खान निवासी पनिहार के रूप में हुई है। वहीं शिकारी के घर की तलाशी लेने के दौरान नील गाय का शिकार कर उसे मारने वाली कुल्हाड़ी और उसके गोश्त के साथ ही बनी हुई सब्जी को जब्त कर लिया है। फॉरेस्ट पुलिस को पूछताछ में काले खान ने बताया कि उसके घर में बच्चे का जन्मदिन था, जिसे लेकर उसने जंगल में जाकर नीलगाय का शिकार किया और लोगों को उसकी दावत उड़ाने के लिए न्योता दिया था। वहीं पुलिस ने शिकारी काले खान के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस मामले में छोड़ा वन चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम जादव ने बताया कि जंगल में जंगली जानवर का शिकार कर दावत उड़ा रहे शिकारी को फॉरेस्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकारी को फॉरेस्ट पुलिस के धारदार हथियार के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। फॉरेस्ट पुलिस ने शिकारी को रंगे हाथों गोश्त के साथ पकड़ा है। आरोपी शिकारी से पूछताछ कर रही है। पुरुषोत्तम सिंह जादव, क्या किस तरह से कार्रवाई की है, क्या हुआ? ये कार्रवाई है, मुखबरी की सूचना मिली कि एक कालू खां के यहाँ किसी के यहाँ मीट नीलगाय का मांस चुराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसको देखने गए हम लोग। मुखबरी की सूचना मिली, वैसे ही पहुँचे, आसपास घेरा डाला, देखा तो वास्तव में भगवानों में जो है नीलगाय का मांस पकाया जा रहा था और अंदर एक झोपड़ी में छानबीन की तो दो कुल्हाड़ी, लकड़ी का रट्टा, एक तराजू और रक्त रंजित एवं जो है चार पैर मिले हैं नीलगाय के। उनको मैंने जब्तीनामा वहीं तत्काल पहले जब्त किया, इसके बाद पंचनामा बनाया, पंचनामा बना के और मुलजिम को बैठा के अपनी चौकी पर लाया।